अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स बीफ की बहुत स्पेशल सी और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी है। बीफ कढ़ाई मसाला मैं शेयर करने वाली हूँ आपको। बहुत डिलीशियस और बहुत इजी है बनाना और इसको, लेकिन बहुत डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, जिसमें मैंने 200 ग्राम रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया है और इसको ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें 2 तेज़पत्ते, 1 लौंग इलायची, दालचीनी के दाने ऐड कर देने हैं और बस इसको कड़कड़ाने तक का वेट कर देना है। जब ये थोड़ा सा हल्का इसका कलर चेंज होने लगे, इसमें से स्मेल बाहर होने लगे, तो बस इसमें मैंने 200 ग्राम प्याज काट करके रखा हुआ है, सारा प्याज इसमें शामिल कर देना है और प्याज को मीडियम अच्छे से फ्राई करना है। जब तक ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तब तक ये प्याज को इसको फ्राई करना है और बस हिलाते रहना है। तो देखिए 5 मिनट के बाद मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी इसका चेंज हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे गोश्त को धो के रख लिया था, बहुत अच्छे से साफ़ करके मीडियम स्लाइसेस में काट करके रखा है। तो बस इसको सारे गोश्त को इसमें शामिल कर लेना है और बस प्याज में इसको 10 से 15 मिनट तक भून लेना है। थोड़ा सा प्याज में अगर हम कच्चा गोश्त पहले भून लेते हैं तो इसका जो गोश्त का स्मेल है वो थोड़ा चला जाता है और एक सोंधापन जो है ना वो रह जाता है। तो गोश्त को प्याज में फ्राई करके बनाए करें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, इससे एक सोंधापन आ जाता है गोश्त में, इसका स्मेल पूरा निकल जाता है। तो बस इसको अच्छे से मैंने भून लिया है प्याज में। अब इसमें शामिल करने हैं कुछ मसाले। तो 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च काट के मैंने इसमें ऐड की है और 1.5 टीस्पून अदरक एंड 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। और बस इस मसालों को शामिल करने के बाद कुछ गुड़े मसाले वो भी ऐड करने हैं मुझे। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून यहाँ पे भर के नमक लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर भी लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे बीफ का मसाला लिया, एवरेस्ट का या फिर आप कैच का, कुकी का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। नहीं भी डाल सकते, स्किप भी कर सकते हैं, आप गरम मसाला इसकी जगह ऐड कर ले तो भी वही टेस्ट आएगा, लेकिन ये यूज़ करने से गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा तैयार होता है बनके। तो आप, मेरी पर्सनल राय है कि ये एवरेस्ट या कैच का जो बीफ मसाला होता है, मीट मसाला होता है, उसको ऐड करें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। बस इन मसालों को डाल के मैंने 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से भुना है और बस इसमें 2 कप भर के पानी डाला है, जितना पानी में ये गोश्त मेरा गल जाएगा। बस प्रेशर कुकर की लीड लगा देनी है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद मैंने चेक कर रहा है, देखिए आधा घंटा पूरा हो चुका है। तो मैंने चेक कर लिया है, पूरा ऑयल ऊपर ट्रांसफ़र हो चुका है और गोश्त को भी मैंने चेक कर लिया बड़े अच्छे से, ये गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। बस इसको आप थोड़ा सा, आपको 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा इसका कच्चा पानी सुखा लेना है और बस इसको मीडियम फ्लेम पर इसको भुनना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना है, बस भुनेंगे, बस ये तैयार हो जाएगा। मेरा सिंपल बीफ कढ़ाई मसाला बनाया मैंने आज, बहुत टेस्टी बन के ये तैयार होता है बिना मेहनत के, कुछ ही वक्त में ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अगर घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं जिस इमरजेंसी में आपको कोई डिश बनानी है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, बस सिंपल कुछ टाइम में ये बन के बहुत अच्छा सा टेस्टी और डिलीशियस बन के तैयार हो सकता है। तो देखिए अच्छे से भून लिया है मैंने 5 से 10 मिनट में, पूरा तेल मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है और पानी बिल्कुल सूख चुका है। तो अब ये रेडी है बिल्कुल सर्व करने के लिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कलर बहुत अच्छा सा प्यारा सा आ गया है। तो आप चाहे तो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दही के बगैर आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कलर कितना प्यारा सा आया है और देख के भी बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो इसको रोटी, नान, चपाती के साथ या पूड़ी के साथ इसको सर्व करते हैं आप, तो बहुत मज़े का ये लगता है और बहुत मज़े की रेसिपी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, बहुत सिंपल तरीके से। तो वीडियो अगर मेरा आज का पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं जो लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी एक आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि कहाँ कहाँ से आप मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, काइंडली अपना नाम कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपका नाम वीडियो में ले सकूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका नाम जानना कि कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और ये रेसिपी ट्राई करिएगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा कैसा बन के ये तैयार हुआ है। और भी कोई अगर नई रेसिपी जो हम मुझसे बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वो बना के आपके सामने पेश करने की। तो चलती हूँ, फिर नए वीडियो में हाज़िर हो जाऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, रमज़ान अच्छे से मनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।